ग्वांगझोउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिवान हॉस्पिटल में डॉक्टर लियो वेशेंग ने कहा कि महिला का अचानक हंसते हंसते मुंह खुला रह गया था। मैं भागा और उस महिला के पास पहुंचा तो देखा कि वो बोल नहीं पा रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था। शुरुआत में लगा कि महिला को दिल का दौरा पड़ा है। मैंने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर कुछ बात की तो समझ में आया उसका जबड़ा बाहर निकल आया है। डॉक्टर ने कहा, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, ये बात मैंने उन्हें बता दी थी। मैंने उन्हें बताया था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, ठीक होने की गारंटी नहीं है। हालांकि मुझे पता था कि जबड़ा किस तरह से ठीक होता है। फिर दो बार कोशिश करने के बाद जबड़ा ठीक किया गया। उन्होंने कहा कि जब महिला का मुंह खुला हुआ था तो वे घबराई हुई थी, संयोग से ये ठीक भी हो गया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का जबड़ा जीवन में कभी बाहर आ जाए तो उसे भविष्य में ज्यादा मुंह खुलने, तेज हंसने और जम्हाई लेने से बचना चाहिए। महिला यात्री ने ठीक होने के बाद बताया कि पहले भी उसके साथ इस तरह की घटना घट चुकी है। प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी करते वक्त भी उनका जबड़ा बाहर आ गया था।